नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक टोकरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। कोरोना वायरस को लेकर यहां पूरे प्रदेश के परिषदीय विद्यालय बंद, वहीं आवासीय एक्सीलेटेड नौकर विद्यालय संचालित। जी हां, नौकर सिद्धार्थ नगर से एक बड़ी खबर है। जनपद सिद्धार्थ नगर के विकासखंड नौकर से आज भी आवासीय एक्सीलेटेड विद्यालय संचालित हो रहा है, जहां पूरे प्रदेश में परिषदीय विद्यालय शासन के निर्देशन पर 14 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद किए गए। वहीं विकलांग विद्यालय आवासीय एक्सीलेटेड चलते पाए गए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर से पूछताछ के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने तत्काल बंद करने की बात कही। प्राइम 18 न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर यूपी से रविंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। किस विद्यालय में विद्यालय संचालन हो रहा है? चूंकि पूरे स्टेट में और जनपद में सारे स्कूल बंद किए गए हैं शासन के और प्रशासन के अनुसार, क्या कहेंगे? ये सर एक्सीलेटर लर्निंग कैंप सिद्धार्थ नगर है और सर बीएससी के आदेश से चलता है और बीएससी के आदेश से ही बंद होता है। मुझे कुछ अभी आदेश नहीं मिल पाया है कि मैं बंद कर दूँ इसे। सर गाइडलाइन तो पूरा शासनादेश आया है कि सारे विद्यालय बंद होंगे, प्रसिद्धीय विद्यालय जी, तो क्या आपको सूचना नहीं मिल पाई कि विद्यालय बंद? जी अभी तक कोई बीएससी द्वारा मुझे सूचना नहीं मिला है। कितने बच्चे हैं सर यहाँ पढ़ते हैं? 60 बच्चों का चलता है सर। अच्छा, इस समय 6 बच्चे हैं। अच्छा है, 60 बच्चों का 6 बच्चे हैं। वो बच्चे कैसे चले गए, क्या कारण था? सर होली की छुट्टी में गए थे घर, उसके बाद 4 दिन तक बंद था, पुनः खुला विद्यालय, उसके बाद बच्चे नहीं आ पाए। अच्छा, छुट्टी होने के बाद भी बच्चे वापसी नहीं आए? 3 बार मैंने फोन किया, गार्जियन बताते हैं कि मतलब वहाँ बीमारी फैली है कोरोना, इसलिए हम विद्यालय अभी नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं मिला कि विद्यालय बंद हो? जी सर। और अभिभावक बच्चे को छोड़ नहीं रहे? जी। अच्छा, कितने अभिभावक हैं जो बच्चे को नहीं पहुंचा रहे, मतलब? बाकी सर सभी अभिभावक हैं जो भेज नहीं रहे हैं बच्चे को। कोरोना वायरस का भय? जी, भय के डर से नहीं भेज रहे। कितने स्टाफ सर यहाँ तैनात हैं इस समय? सर 5 अध्यापक हैं, 3 केयरटेकर हैं, 8 का स्टाफ। इसमें कितने बच्चियां हैं और कितने बच्चे हैं इस समय? 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। टोटल नॉमिनेशन बच्चियां कितनी हैं? कुल मिला के सर 21 बच्चियां हैं नामांकित हैं। इस देश में कोरोना के लिए अलर्ट है, वहीं आपके आवासीय विद्यालय खुले मिल रहे हैं, और क्या कोई आदेश है कि नहीं है आपके पास विद्यालय खोलने का? आवासीय विद्यालय कस्तूरबा एक दिन खुला था, अगले दिन फिर हमको निर्देश मिल गया, हमने कस्तूरबा बंद कर दिया। मामला आपके पुराने नौगढ़ स्थित स्कूल का है? हाँ, एक्सीलेटेड विद्यालय है सर, आवासीय एक्सीलेटेड विद्यालय, विकलांग बच्चों वाला जो जी है, वो खुला हुआ था, उसके लिए हमको निर्देश मिल रहा है, बंद कर देंगे। वैसे भी गार्जियन अपने बच्चों को ले जा चुके हैं और बच्चे वहाँ बहुत न्यून मात्रा में हैं और उन्हें हम आज मुक्त कर देंगे। आज हमें खबर मिली है कि उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जी सर, वो छुट्टी से, जब से छुट्टी हुआ होली का, तब से बच्चे नहीं आ पा रहे थे। अभिभावकों ने इस महामारी को सुन करके अपने बच्चों को रोक लिया, ऐसा अध्यापकों ने भी बताया वहाँ पे। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं की गई कि आप अपने बच्चों को भेजिए ही जी। होली में बच्चे गए थे, वो विकलांग बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन जो यहाँ हमारे यहाँ आ गए 5-10, तो हुआ कि भाई यहाँ अधिक सुरक्षा घेरे में है, जरूरत पड़ने पर मेडिकल टीम आ जाएगी। अब हमको आप निर्देश मिला है आज कि उसे भी बंद कर देना, बंद कर।